मचण ने जी कर गया, नाचण ने जी कर गया भगवान, माचण ने जी कर गया, श्याम तेरे दरबार में मेरा नाचण ने जी कर गया। वो ये भजन सुनाने के बाद मैं तब इनकी तरफ, यानी वो इनकी तरफ देखा मैंने, तो मेरा एक इनसे भाव जुड़ गया, जो आंखों में आंख मिली, तो मैंने इनसे प्रेयर की क्या कि आप यहाँ भी हैं। तो इन्होंने उस टाइम पे यहाँ पूरी संगत थी, तो बड़ा एक करिश्मा दिखाया, एक पत्थर की मूर्त, वो आंख चला रही है कि हाँ हूँ ना मैं। तो उस ये बल्कि मेरे को भी ध्यान नहीं था ऐसा, बट वो कैमरा चालू था, फोन चालू था मेरा, महाराज जियों का भी फोन चालू था। तो मैंने महाया कमाल है, एक पत्थर की मूर्त ये बता रही है हाँ मैं हूं ना, और वो वीडियो मेरे पास आज भी है स्वयं की। और ये मैंने देखा आज भाई वाक्य में यहाँ पे वो एक पवित्र वो प्रभु जो जिसको हम प्रभु कहते हैं, सभी में जो वास करता है, वो इनका यहाँ पे उनका पवित्र स्थान है, और हम इनकी यानी एक आस्था से विश्वास से बिल्कुल साक्षात प्रकट होना जिसको बोलते हैं, ये वो स्थान है। हम बार बार इस स्थान को प्रणाम करते हैं, उस मालिक को प्रणाम करते हैं। नाम है आपका भैया? प्रवीण नाम आपका। कितने दिन से सेवा कर रहे हैं आप? हम तो बचपन से ही कर रहे हैं। बचपन से? अच्छा, आज हमारे कुल देवता है। कुल देवता है। आज कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आए यहाँ पर? आज तो बहुत दूर दूर से आए हैं, मानपुर से भी, गाजियाबाद से भी, अपने आज तो ऐसे ऐसे भगत आए हैं कि हमें तो पता नहीं है पकड़ के लेके आ रहा है कि हमें यहाँ पता ही नहीं मंदिर का, पीछे से अभी आए जो हमें तो पता नहीं, हमने मंदिर की चोटी देखी दूर से, तो आज यहाँ देख के आना क्या है। वो इधर गरीब आए बोले यहाँ क्या मंदिर ही नहीं है, नो आगे चल, आगे आगे आते आते अंदर आ गए, हम आज ये पकड़ के लिया, हमने हमें पता था मंदिर यहाँ पे मंदिर। तकरीबन आज काफी दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से आए। तो देखिए, जिस किसी को हमारी खबर के द्वारा मैसेज मिले, वो बैकुंठ धाम दहिया कॉलोनी कतरोई रोड सोनीपत में पड़ता है। जिसका जो भी काम ना बनना हो और वो अपनी अर्जी लिख करके इस मंदिर में बांध के जाए, और बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, क्योंकि ये देखा हुआ अद्भुत चमत्कार है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जिनके जो भी कोई भी कार्य रुके हुए हैं वो सभी सफल करते हैं, क्योंकि ऐसे मानना है सोनीपत में सबसे पुराना ये जो दहिया कॉलोनी में बैकुंठ धाम खाटू श्याम मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ के जो गुरु जी है, इन्होंने सुना है मैंने कि कई मंदिरों की स्थापना भी करवा ली है। अभी देखिए ये पुजारी जी बताएंगे, भैया कितने मंदिरों की स्थापना करवा ली गुरुजी ने? 9-10 मंदिरों की स्थापना करा, 9-10 मंदिरों की। और जो लास्ट मंदिर की स्थापना कराई थी उसका प्रोग्राम है 20 तारीख को पानीपत में। कौन सा गांव है? पानीपत में, प्रॉपर पानीपत में, पानीपत में विकास नगर में 20 तारीख को, और 21 तारीख दो दिन बड़ा प्रोग्राम है वहाँ पे पानीपत। चलो एक मिनट थोड़ा बता दियो, आप पहली बार आए हो या आए अभी? पत्रकार आ रहे हैं, अभी आए रहे, अभी टाइम को दे रखा था। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेक न्यूज, प्राइम ब्रेक न्यूज में आपका स्वागत है। अब मैं पहुंचा हूं बैकुंठ धाम दहिया कॉलोनी में, जो प्राचीन खाटू श्याम मंदिर है, बरसों पुराना बना हुआ जो मंदिर है, अभी मैं उसी मंदिर में पहुंचा हूं। और आप वो जो भी श्रद्धालु जहां से आए हैं उनसे रू रू करवाऊंगा कि वो कहां कहां से श्रद्धालु आए हैं, और उनसे पूछेंगे बसंत पंचमी पे ऐसा क्या होता है जो आप लोगों को बागा और वो जो गंगा जल दिया गया है, आप इसका क्या करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, उसके बारे में अभी श्रद्धालु से पूछेंगे। इसके बाद में इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे पूछेंगे, वो आपको सारी बातों बताएंगे और उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और अब हम जो श्रद्धालु आए हुए हैं इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं? आप किस सेक्टर से आए? कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ? पहली बार आए। आप पहली बार आए? आपको प्रसाद मिल गया है? क्या क्या मिला आपको? ये कपड़ा नहीं है, ये बागा होता है। हाँ, जो कोई भी व्यापार या किसी भी चीज में आप इसको बांध के रखें अपने दुकान के अंदर, तो इसकी लाभ जब आप देखेंगे, अभी गुरु जी बताएंगे इसके बारे में क्या क्या लाभ होता है, कि इस बागे का और गंगा जल का क्या महत्व है और श्रद्धालुओं को क्यों वितरित किया जाता है ये। जय श्री श्याम गुरु जी। जय श्री श्याम भैया। पहले तो भाई सब श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जय श्री श्याम। और इस बाग का जो महत्व है,
ये बागा सिर्फ साल में एक बार ही बाबा को पहनाया जाता है, भले ऊपर किसी मंदिर में महीने में दो बार, किसी मंदिर में रोजाना भी बागा बदल लेते हैं ऊपर वाला, लेकिन ऊपर वाला जो बागा है वो तो बदलता रहता है। इस बात के को साल भर में ही एक बार निकाला जाता है। जैसे पिछली बसंत पंचमी को हमने पहनाया था तो अब की बार हम निकाला, दूसरा फिर पहना दिया, तो इसको कोई टच नहीं करता। तो ये बागा जो है इसमें इतनी शक्ति आ जाती है माता सरस्वती कृपा से, श्याम बाबा की कृपा से, आगे यहाँ तक ये प्रैक्टिकल है, आँखों देखा, अगर मुर्दा तक अगर कोई आस्था हो तो मुर्दा तक भी जिंदा हो जाता है। गुरु जी मेरा कहना ये है कि मान चलो सभी मंदिरों में, आज बसंत पंचमी का दिन है, हाँ, सभी मंदिरों में बागा तो चेंज होता है, हाँ, लेकिन ये जो गंगा जल है ये सिर्फ आपके ही बैकुंठ धाम में दिया जाता है। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसका ऐसा हुआ कि मैं तकरीबन ये बातें होंगी 10-15 दिन की, तब अपने मंदिर में बैठा हुआ था, तो उनमें एक अभ्यास हुआ, एक आवाज सी हुई, जैसे भी या मेरी आत्मा बोल रही थी या ऊपर से आकाशवाणी या कुछ भी था, अब भाई अब की बार तूने क्या करना है, मगा ये हाँ क्या करना है। दो चार आदमी ऐसे भी थे, लेकिन अब अभ्यास मेरे को हो रहा था इस बात का। अब आप जो ना 54 तीर्थ स्थलों से पवित्र जल ले आके मेरा स्नान कराओ, और इस जल का जो ना जो भी प्रयोग किसी चीज़ में आस्था के साथ करेगा उसका वो हर काम पूर्ण होगा, हर बीमारी बाबा की कृपा से ठीक हो जाएगी। तो ये सब आस्था का खेल है। तो गुरु जी कितनी सीसी बनाई गई आज गंगा जी की? ये 500 सीसी बनाई थी, और तकरीबन सभी जाने तकरीबन थोड़ी बहुत रही चली गई। नहीं, जैसे किसी के घर में बच्चा हो जाता है या किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो इस गंगा जल का प्रयोग खराब तो नहीं होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा के इस जल पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता, न सूतक का होता न पातक का होता। यदि किसी को किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो तो उसको पिला सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्योर नहीं, आप गंगा जल में या प्योर अपने घर जो घर का जल है साधारण, उसके अंदर 2-3 बूंदे डालो और मेरे प्रभु का बाबा का नाम लो और उसको पिलाओ और चमत्कार देखो। देखिए गुरु जी ने अभी बताया है कि इस गंगा जल को किसी भी जल में मिलाकर और उनको 2 बूंद उस जल में डाल के और उनको पिला दे, और उसका कला उसकी जो है बाबा की करिश्मा उसमें आप देख सकते हैं, बाबा का नाम लेके और उस गंगा जल को पिलाए। और इसके बाद मैं हमारे पास 23 सेक्टर से कुछ प्रेमी आए बैठे हैं।